नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर में मनीष तिवारी, पंकज सिंह सहित पांच लोगों ने किया नामांकन। बसपा लोकसभा सीट 79 से सांसद प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी ने किया नामांकन। 400 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे मिर्जापुर। मिर्जापुर मोहकोचवा स्थित अपने चुनावी कार्यालय पर समर्थकों को किया संबोधित। लगभग 3 बजे के आसपास हुआ नामांकन सम्पन्न। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने बनाया है मनीष त्रिपाठी को लोकसभा सांसद प्रत्याशी। वहीं भारतीय जवान किसान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी वेंकटरमन सिंह ने भी गर्मजोशी से नामांकन किया है। सेवानिवृत्त सैनिक के नामांकन से जनपद की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। 10 मई को कुल 5 लोगों ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान पूरा कलेक्ट्रेट पुलिस छावनी में बदल गया था। चाहे वह प्रत्याशी हो या फिर आम नागरिक, सभी की गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही थी। सतयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। क्या रहेगा कि इस बार लोगों को किस तरीके से आप आकर्षित कर पाएंगे? यह चुनाव लोकल वर्सेस बाहरी का चुनाव है। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। मिर्जापुर की प्रमुख मांगे क्या क्या रही हैं? मिर्जापुर की प्रमुख मांगे रही हैं जैसे पानी की समस्या है यहाँ, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है। गाँव में, देहातों में आप जाइए तो कहीं रोड नहीं है। पूरे 5 विधानसभा में आप घूम के टहलिए तो कहीं रोड की स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति है। मिर्जापुर में भारी संख्या में युवा निवास करते हैं, उनके बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं? युवाओं के लिए यहाँ खेल स्टेडियम की जरूरत है। जैसे IPL है, IPL के तर्ज पर यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जिससे यहाँ से लड़के निकले और पूरा देश में उनका नाम। बीजेपी तो कहती है कि शिक्षा में वो बढ़ चढ़ कर भाग ली है, युवाओं को रोजगार दी है, तो आप रोजगार के मामले में किस तरीके से युवाओं को देखेंगे? रोजगार आप खुद देख रहे हैं कितना रोजगार बीजेपी ने दिया है और क्या है। तो कहीं न कहीं किसकी नाकामी माने? ये नाकामी तो हमारे यहाँ जो सांसद हैं, इस समय वर्तमान में मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, वो तो उन्हीं की नाकामी है। इस बार नामांकन करने जा रहे हैं, ये अपने मुकाबला किससे मानते हैं? जब हमारा मुकाबला हमने आपसे बता दिया कि लोकल वर्सेस बाहरी, तो मुकाबला किसी से ही नहीं हमारा। मान लीजिए नेताजी, आप लोकसभा चुनाव 2024 में जनता आपको चुन के भेजती है, तो आप पहले क्या करेंगे? मिर्जापुर प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पहले जनता हमको चुन के भेजेगी, जनता के हर काम, हर उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, हर सुख दुख में आप उनके साथ रहेंगे। जनता कहती है कि पहले जब नेता वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, फिर जब जनता उनके पास जाती है तो उनको हाथ जोड़ना पड़ता अभी है। अभी 40 सालों में लगभग 1986 के बाद कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ लड़ा नहीं और न कभी मौका मिला। पहली बार मौका मिला है तो जनता जान रही है कि जब लोकल प्रत्याशी आएगा और जीत के जाएगा सदन में तो उनकी बात को उठाएगा वो। जी धन्यवाद। अपना नाम बताओ। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित जन को तहे दिल से आभार, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमने बॉर्डर पर रहकर बाहरी शक्तियों से देश की सुरक्षा और सेवा किए हैं और अब देश को अंदर से मजबूत बनाने के लिए अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी को जड़ से खत्म करते हुए, लोगों को नौकरियां, व्यवसाय उपलब्ध करते हुए देश को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पार्टी का नाम भारतीय जवान किसान पार्टी है और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा घर बिरोही मिर्जापुर में है, 96 से बिलोंग करता हूँ। नाम क्या है? नाम मेरा वेंकटरमन सिंह और पंकज सिंह है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे हमारा भ्रष्टाचार भी अपने यहाँ, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और लोगों को नौकरी अभी देना चाह रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि महंगाई है और शिक्षा में अभाव है, यही सब हमारा मुद्दा है जिसमें हम फोकस करेंगे। आप यही जो जनता चाह रहे हैं, जनता को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। जीतने के बाद जो जनता चाह रही है कि ये हमारे साथ हित होना चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, विकास होना चाहिए।